अच्छा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर आपके बॉडी में अगर लंबे समय से है और आपको पता नहीं है, तो वो धीरे धीरे आपके शरीर में जहर के जैसे फैलता चला जाएगा और आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स लाइक किडनी, लिवर, आई साइट्स, नर्व्स, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर करता चला जाएगा और आप इससे बहुत ही ज़्यादा ग्रसित होते चले जाएंगे। तो मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ब्लड शुगर के क्या लक्षण होंगे, कितने होंगे आपके ब्लड शुगर के रेंज लेवल, आप तो वो आप प्री ब्लड शुगर में रख सकते हैं या पोस्ट ब्लड शुगर में रख सकते हैं, आप इसे कैसे काउंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, इससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर के लक्षण अगर आपको होंगे, तो आपको बार बार यूरिन आना, कम पानी पीने की वजह से रेगुलर एक दो दिन ऐसा हो जाए तो नहीं, आए दिनों अगर आपको कंटिन्यूस रेगुलर आपको यूरिन लगता हो, आप रात में 3-4 बार उठ के यूरिन कर रहे हैं, यूरिन आना, नर्व्स में आपको हाथ पैर में सूजन होना, अकड़न जकड़न ऐसा महसूस होना, धीरे धीरे आपका वेट लॉस होता चला जाएगा, आपको दिखेगा कि आपका बॉडी सूखता चला जा रहा है, ये सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे। एंड देन आफ्टर आपको हमेशा चक्कर जैसा आता रहेगा, वर्टिगो फील करेंगे आप। तो ऐसे ऐसे लक्षण आपको ब्लड शुगर की तरफ ले जाएंगे। तो आपको करना है, सबसे पहले आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें। अगर आपका ब्लड शुगर 100 तक रहता है फास्टिंग में, तो आप वो नॉर्मल है। अगर 120 तक रहता है आपका ब्लड शुगर, तो वो प्री ब्लड शुगर है आपका। वो ब्लड शुगर आपका प्री ब्लड शुगर है। 120 के बाद बढ़ता है तो आप वो ब्लड शुगर के रेंज में आते हैं कि आपका ब्लड शुगर हाई हो गया है। तो ये कुछ लक्षण थे ब्लड शुगर के। और अब बात करें हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में SIGGM बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। आप इसे मदर टिंचर में ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 20 स्पून आधे आधे कप पानी में ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है इंसुलिनम। इंसुलिनम बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये खास तौर पर स्पेशली पैनक्रियाज पे काम करती है, जो पैनक्रियाज इंसुलिन बढ़ाने और घटाने का काम करता है। जो आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखता है, उसका प्रॉपर वर्क ना करना ये प्रॉब्लम देता है और आप ब्लड शुगर से सफ़र करते हैं। तो इंसुलिनम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप इसे 3x 6x लोअर पोटेंसी मिले, टैबलेट फॉर्म में, टाइट्रेशन फॉर्म में ले, ये बहुत अच्छा वर्क करता है डायरेक्ट पेनक्रियास पे, आपका इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखता है और इंसुलिन को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे आप ब्लड शुगर से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। इसे भी लेना बहुत आसान है, आप 3 गोली सुबह दोपहर शाम लें। हाँ, याद रखें होम्योपैथिक मेडिसिन आप खाने के आधे आधे घंटे बाद लें। एलोपैथिक मेडिसिन जनरली हम खाने से पहले लेते हैं, बट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको खाने के आधे आधे घंटे बाद लेना है। ये थी एक होम्योपैथिक मेडिसिन। और कुछ आपका डेली लाइफस्टाइल में आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होंगे, जिसके वजह से आपका ब्लड शुगर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कम होगा। आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से दूर रहें, आप राइस ज़्यादा ना लें, मीठी चीज़ों से दूर रहें, और साथ ही साथ आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें, रोज़ पिए आप गर्म पानी करके, आप एप्पल साइडर विनेगर पिए रोज सुबह, आप इसे पिए 1 ग्लास पानी में 2-4 बूंद रख करके इसे पिए रोज पिए, डेली लाइफ में ये आप रूटीन बना लें। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है एप्पल साइडर ब्लड शुगर पे और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। और दूसरा चीज़, आप 1 कप दूध में हल्दी और सीनम पाउडर, मतलब दालचीनी पाउडर 1-1 चम्मच डालें और इसे अच्छे से बॉईल कर लें, और ये भी आप खाने के बाद नाश्ते के बाद ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और ब्लड प्योरिफिकेशन भी करता है, ब्लड शुगर को भी कम करता है। तो ये कुछ प्रोसेस थे जो आपके हेल्दी ब्लड शुगर के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो ऐसे ही मैं मिलती रहूँगी नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी।